सो ही दे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गाइस एश वर्सेस एश के डैड के बारे में, यानी कि गाइस प्रोबेबली ये एश की एज अ मेन कैरेक्टर लास्ट सीरीज हो सकती है। इसके बाद हमें पता नहीं आगे क्या होगा, बिकॉज दो न्यू कैरेक्टर्स तो अनाउंस हो चुके हैं न्यू सीरीज के लिए, तो हमें ये पता नहीं इसके बाद टाइम स्किप होके जो न्यू कैरेक्टर्स होंगे वो एश के डॉटर या फिर सन होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है एश को उन दो न्यू कैरेक्टर्स का राइवल बना दे। तो आगे क्या होगा ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एश के डैड कौन है, क्या कभी हमें एश वर्सेस एश की डैड की बैटल देखने को मिलेगी या फिर नहीं, इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस अगर शायद यानी कि मैं एक मतलब एक छोटा सा अंदाजा लग रहा हूँ, अगर ये एज अ मेन कैरेक्टर एश की अगर लास्ट सीरीज होगी तो इस यानी कि इसी सीरीज के अंदर मुझे लगता है एश वर्सेज एश के डैड की हमें एक तो बैटल देखने को मिलेगी, बिकॉज हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखे पोकन एनिमी के अंदर जो कि अपने फादर के साथ कभी ना कभी बैटल करते हुए हमने देखा है, लेकिन एश मेन कैरेक्टर होते हुए भी ना तो हमने उसके कभी फादर को देखा है ना ही उसे उसके फादर के साथ बैटल करते हुए देखा। तो यार ये एक चीज जो है मतलब ये होने ही वाली है एनिमे के अंदर, अगर ये जो लास्ट सीरीज होती है तो हमें 100% जो एश वर्सेस एश के डैड की बैटल देखने को मिलने ही वाली है। लेकिन गाइस ना ही ओपनिंग सॉन्ग में ना ही किसी चीज के अंदर हमने एक छोटा सा मतलब एक एश के डैड को हमें लिटरली कभी भी नहीं देखा, मुझे नहीं लगता वो एक ऐसी सीरीज के अंदर जो है उनका रिटर्न करवा के एश वर्सेस एश के डैड की बैटल करेंगे। तो पर्सनली मुझे लगता है गाइस ये जो एश की लास्ट सीरीज नहीं होगी, इसके आगे भी मुझे लगता है गाइस एश होगा, भले ही उसे बड़ा कर दे या फिर टाइम स्किप कर दे या फिर ऐसा भी हो सकता है एश को राइवल बना दे, लेकिन मुझे लगता है गाइस एश वर्सेस एश की डैड की बैटल जरूर होगी, लेकिन वो मुझे लगता है इस 11 एपिसोड के सीरीज के अंदर होगी। उसके लिए प्रोबेबली एक मतलब एक अच्छी सी आर्क रखेंगे। यार देखो यार हमें नहीं पता एश के डैड अच्छे हैं या फिर किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, इसी वजह से ये चीज़ और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज अगर एश के डैड कोई अच्छे आदमी होंगे तो हो सकता है एक या फिर दो एपिसोड में उनका इंट्रोडक्शन करवाए, उसके बाद एश वर्सेस एश के डैड की बैटल करवाए, लेकिन अगर एश के डैड कोई विलन टाइप हो यानी किसी एविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते होंगे तो गाइज बहुत वक्त लगेगा, यानी कि गाइज 3 से 4 एपिसोड तक इंट्रोडक्शन, उसके बाद पता चलेगा एंड उसके बाद बैटल होगी, ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी जो है आर्क लग सकती है इसके लिए। इसलिए मुझे लगता है गाइज ये एक ये जो है 11 एपिसोड की एक लिमिटेड सीरीज है, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर जो गाइज बैटल करवाएंगे एश वर्सेस एश के डैड की। तो मुझे लगता है बैटल जरूर होगी, लेकिन वो गाइज आगे होगी, शायद से जो न्यू सीरीज होगी उसके अंदर हमें एश को एक मतलब एश साइड से एक साइड कैरेक्टर हो जाएगा एंड उसके बाद शायद से हमें एश वर्सेस एश के डैड की बैटल देखने को मिलेगी, बिकॉज तब जो है एश चैंपियन होगा एंड गाइज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसके ऊपर, एंड ऊपर से अगर किसी चैंपियन का डैड अगर एक मतलब एविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे तो ये और भी ज्यादा सीरियस चीज हो जाएगी, एकदम प्रॉपर मजा आने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। सो गाइज इन शॉर्ट मुझे लगता है गाइज हमें आने वाले एपिसोड के अंदर कभी ना कभी एश वर्सेस एश के डैड की बैटल जरूर देखने को मिलेगी। तो आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।